हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज एक कॉमन से टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर क्लास 10th और 12th में हमें पढ़ाया जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? जैसे कि आपको आपके मॉम डैड या टीचर्स बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ाई को अपोज करते हैं, पढ़ाई को रेजिस्टिव होते हैं, तो अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक वैसा ही हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल के अंदर हम चार्ज को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो मटेरियल इसको अपोज करता है। सो मटेरियल का ये जो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये चार्ज ट्रांसफर को या इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करता है उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी है, बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, मोबाइल फोन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मेरे हाथ में एक वायर है, इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल जो है वो कुछ अलग जगहों पे भी किया जाता है। जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से यूज होता है, सर्किट टर्मिनेटर के हिसाब से भी यूज होता है। तो रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर यूज के हिसाब से हम इसको कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर हमारे पास बहुत तरह का रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि वायर ओम्ड रेजिस्टर होते हैं, काफी कम वाले जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, कम ओम वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं वो वायर ओम्ड के होते हैं। और एक रेजिस्टर का टाइप होता है कार्बन रेजिस्टर, जो कि काफी कम पैसे में वो एक हाई रेजिस्टेंस वाला एक रेजिस्टर हमारे पास बन जाता है। देखो कार्बन, इतना छोटा सा कार्बन आप ले लेंगे, लेकिन कुछ लाख 10^5 10^6 ऑर्डर में भी हम रेजिस्टेंस इसका पा सकते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टर वो दिखता कैसे है, कलर कोडिंग उसका कैसा है, उसका रेजिस्टेंस कैसा पता करते हैं, या फिर रेजिस्टर जो है वो कंपोनेंट दिखता कैसे। बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में 12th में रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, रेजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, या फिर केवीएल केसीएल में, सर्किट में इसका यूज देखते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकली रेजिस्टर कैसा दिखता है वो नहीं देखे होते। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो के दौरान आज एक वो रेजिस्टर कैसा दिखता है वो दिखाते हैं, और उसका कलर कोडिंग क्या होता है, और कार्बन रेजिस्टर कैसा होता है, एक रेजिस्टर हम तोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखिए, यहाँ पे हमने आपको रजिस्टर दिखाने के लिए एक इंडक्शन कुकर का मदरबोर्ड खोल के लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो होते हैं, ये सारे होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, देखो ये सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी रजिस्टर्स सारे हैं, ये कार्बन रजिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, ये भी एक रजिस्टर, देखिए ये भी एक रजिस्टर है। ठीक है, वैसा ही एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इस रजिस्टर को आप देखिए, ऐसे रजिस्टर को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर, और इसके ऊपर जो बैंड्स है इसीलिए हम इसको कहते हैं कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, पहला जो बैंड है वो ब्राउन है, उसके बाद जो है वो ब्लैक है, उसके बाद जो है वो येलो है, उसके बाद जो है वो गोल्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका रजिस्टेंस कितना होता है वो मैथमेटिकली अलग अप्रोच देखेंगे। पहले इस कार्बन रजिस्टर को तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तोड़ने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये फर्स्ट कल बैंड जो होता है, ये फर्स्ट बैंड आपको पहला डिजिट देता है, सेकंड बैंड आपको दूसरा डिजिट देता है, तीसरा बैंड जो है वो आपको मल्टीप्लायर देता है, चौथा बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस देता है। यानी कि पहला बैंड जो है फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, और ये आपका मल्टीप्लायर, और ये है टॉलरेंस। ठीक है, तो पहले चलिए इसको तोड़ के देखते हैं, देखो इसको समझते हैं। ये जो है ये मेटेलिक लीड्स हैं, दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये बाहर का जो होता है वो इंसुलेशन होता है, और ये चार डिफरेंट कलर्स जो है वो कलर बैंड्स हैं। इसके अंदर कार्बन कंपोजिशन होता है। ठीक है ना, तो इसको चलिए तोड़ के देखते हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये बाहर का जो एक सेरामिक इंसुलेशन है वो सेरामिक इंसुलेशन टूट जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा उसके लिए आपको। ठीक है, आप इसको देखिए, तो देखिए ये कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, धीरे धीरे आपको नजर आ जाएगा वो।
देखिए ये कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, मैं और क्लियरली थोड़ा सा दिख देता हूँ, और थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसको, ये जो ब्लैक कलर का होता है ना, देखिए इसको थोड़ा सा क्लियरली, ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है आपका जो कार्बन कंपोजिशन, ठीक है। और इसके ऊपर पहले जिसको हमने हटा दिया वो था आपका इंसुलेशन, इंसुलेटिंग कोटिंग था, और ये मेटेलिक लीड्स है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन रेजिस्टर का, इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कलर कोडिंग से कैसे पता चलता है, इसको देखते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच इसका करते हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चे देखते हैं कार्बन रेजिस्टर कलर कोडिंग कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा हमारे पास जो रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर हमने तोड़ के देखा, कुछ इस तरह का ही कार्बन रजिस्टर था वो, है ना। तो वो कार्बन रजिस्टर का पहला बैंड ब्राउन था, दूसरा बैंड जो था वो ब्लैक था, तीसरा येलो था, और चौथा गोल्ड था, ठीक है। अब इस बैंड को देख करके, ये ब्राउन है और ये ब्लैक, ये येलो और ये आपके पास गोल्ड है, इसको देख करके आपको कैसे पता चल सकता है कि ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहले आइए यहाँ पे देख लेते हैं ये कलर कौन कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, यही सारे जो कलर्स होते हैं ये बैंड्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक होगा, ब्लैक रिप्रेजेंट्स 0, ब्राउन 1, पहले और दूसरे डिजिट के लिए बात मैं कर रहा हूँ, पहला बैंड जो है वो फर्स्ट डिजिट, दूसरा जो है वो सेकेंड डिजिट, तीसरा जो है वो मल्टीप्लायर होता है, और चौथा जो है ये पहला फर्स्ट डिजिट, दूसरा सेकंड डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर, और चौथा जो होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। जैसे कि ब्लैक अगर पहला बैंड में, फर्स्ट बैंड में होगा तो उसके लिए आप 0 लिखेंगे, अगर सेकंड बैंड में होगा तो उसके लिए आप, ब्लैक के लिए आप हमेशा 0 लिखिएगा, अगर तीसरे बैंड पे होगा तो उसके लिए मल्टीप्लायर 10^0 होगा। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर येलो होगा, येलो अगर पहला और दूसरे डिजिट में होता तो उसके लिए आप 4 लिखते, तीसरा बैंड में होगा तो उसके लिए आप 10^4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक वैसा ही फोर्थ बैंड में अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस आपका 5% है, सिल्वर जो है उसके लिए आपका टॉलरेंस 10% होगा। तो हमारा जो कार्बन रजिस्टर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये कार्बन रजिस्टर है, ये देखो ये दोनों मेटेलिक लीड होते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू करेंट आपका पास करता है, और ये उसके ऊपर ये कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये बाहर का एक इंसुलेटिंग कोट, इंसुलेशन होता है, एक कोटिंग होता है, और ये अंदर वाला जो ब्लैक वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये आपका कार्बन कंपोजिशन होता है, ठीक है बच्चे लोग। तो चलिए देखते हैं कि आप इसको कैसे, ज़रा सा इसको याद करना, कौन सी कलर कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसका डिजिट क्या है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको याद रखने के लिए एक तरीका हमारे पास है, जैसे कि बी बी रॉय जी बोले विनोद जी वो गाना सुनाइए, ठीक है। तो बी बी रॉय जी बोले, इसको याद रख लें आप लोग, बी बी रॉय जी बोले विनोद जी वो गाना सुनाइए। तो बी स्टैंड्स फॉर ये ब्लैक, ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, विनोद का ये वी जो है आपके पास, ये वायलेट और ये ग्रे, ये वाइट, ये गोल्ड और ये सिल्वर, ठीक है। हमने इसको साइड में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लैक के लिए बी बी R O Y G बोले विनोद जी वो गाना सुनाइए, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकली एक मदरबोर्ड से, एक इंडक्शन कुकर का मदरबोर्ड से तोड़ के हमने एक कार्बन रजिस्टर आपको दिखाया, वो कार्बन रजिस्टर ठीक ऐसा ही था, जिसका पहला बैंड ब्राउन था, दूसरा बैंड ब्लैक था, तीसरा बैंड येलो था, और चौथा बैंड जो है वो गोल्ड था, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, देखो रेजिस्टेंस कभी भी हम देखते हैं ना, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कोई भी मटेरियल का, कोई भी कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे होता है, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट बैंड जो है, फर्स्ट बैंड का कलर क्या है, वो कलर ब्राउन है, ब्राउन स्टैंड, ब्राउन के लिए आपके लिए डिजिट होता है 1, ठीक है। अब दूसरा जो कलर है वो दूसरा कलर ब्लैक है, और ब्लैक के लिए हमारे पास जो डिजिट है वो डिजिट है 0, क्योंकि ये सेकेंड डिजिट है। और तीसरा हमारे पास देखिए क्या है, तीसरा कलर जो है, तीसरा बैंड जो है वो येलो, येलो के लिए तीसरा बैंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, और कलर है येलो, येलो कलर के लिए हमारे पास मल्टीप्लायर है 10^4, ये देखो 10^4। ब्राउन कलर है इसीलिए 1 था, ब्लैक कलर के लिए उसके लिए 0 था, ठीक है। और तीसरा कलर जो है, तीसरा बैंड जो है वो
येलो है उसके लिए नंबर है 4, उसका मल्टीप्लायर थर्ड बैंड में होगा तो मल्टीप्लायर 10^4। तो इसके साथ आप 10^4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए चौथा बैंड जो है, फोर्थ बैंड में आपके पास गोल्ड है। गोल्ड के लिए आपका फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस, तो गोल्ड है, गोल्ड के लिए आपके पास टॉलरेंस जो होगा वो 5% का होगा। तो इसके साथ आप प्लस और माइनस 5% लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है रेजिस्टेंस कैसे मिलता है। फर्स्ट बैंड उसके साथ सेकंड बैंड को डिजिट लिखिए इनटू थर्ड बैंड का जो मल्टीप्लायर जितना होगा प्लस और माइनस फोर्थ बैंड का टॉलरेंस। गोल्ड होगा तो 5%, सिल्वर होगा तो 10%। सो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे मिल जाएगा। पहला डिजिट है, पहला बैंड है ब्राउन, उसके लिए कलर, उसके लिए डिजिट है 1 इन 1, और सेकेंड बैंड है ब्लैक, उसके लिए डिजिट आपके पास है 0। सो ये 10 × 10 × 10^4 प्लस और माइनस 5%। इसको आगे कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इतना छोटा सा, आपने प्रैक्टिकली देखा इतना छोटा सा कार्बन रेजिस्टर है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10^5 के ऑर्डर में है, यानी कि 1,00,000 ओम उसका रेजिस्टेंस है। देखो कितना छोटा सा रेजिस्टर है, इतना छोटा, इतना कम अमाउंट का कार्बन हमने लिया, लेकिन उसका रेजिस्टेंस इतना हाई रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए वायर विंड रेजिस्टर के जगह हमने कार्बन रेजिस्टर को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे 0.1 × 10^6, तो 0.1 MΩ रेजिस्टेंस इसका है, लेकिन ये प्लस और माइनस 5% है। ये टॉलरेंस को आप एरर मान सकते हैं, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया बनाते वक्त, इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और भी फैक्टर्स हैं इसको डिपेंड करने के लिए। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एकदम फिक्स 0.1 MΩ हम नहीं बोल सकते, उसका कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो 5% ऑफ 0.1 MΩ अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस कुछ 5000 अराउंड आता है। यानी कि हमारा ये जो कार्बन रेजिस्टर हमारे पास जो था, हमने जो निकाल के देखा उसका रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम के ऑर्डर में है। 1,05,000 भी हो सकता है या 95,000 भी हो सकता है। सो ऊपर नीचे 5,000 का ऊपर नीचे ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्बन रजिस्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसको निकाल के हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखने के लिए, और जितना प्रैक्टिकली हो सके, जितना विजुअलाइज चीज़ों को करा सकते हैं, हम अपना कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू।